और सर्व जन्स के लिए, जन समुदाय के लिए ये समझना मुश्किल था कि ये लोग सही कहते हैं या गलत कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया ये करो तो वही करने लगे। जैसे आज का एक आधुनिक उदाहरण मैं आपसे बताऊं कि मैं देखती हूं बहुत से औरतें संतोषी माँ का उपवास करते हैं शुक्रवार, और उनकी सबकी तबीयत खराब। तो मैंने पूछा आप किसी गुरु के पास गए थे? नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इनका तो ऐसा ही हाल है जैसे किसी गुरु ने इनको मंत्रमुग्ध कर दिया। कहने लगे फिर हम तो सिर्फ संतोषी माँ को मानते थे और शुक्रवार का उपवास करते। ये सिनेमा वालों ने संतोषी माँ बनाई, फिल्म वालों। अब ये फिल्म वाले क्या कोई देवी बना सकते हैं क्या? और लगे उसी के पीछे में। जो स्वयं संतोष का स्रोत है वो कैसे संतोषी हो सकते? तो संतोष ही है, स्वयं जो संतोष है वो संतोषी कैसे हो सकते? इस प्रकार की नानाविध चीजें, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब लोग, किसी भी धर्म के हो, सिख धर्म के हो, सब में ये चीजें एक तरह से आ गई है। और इसलिए जो चीज असल है वो तो छूट गई, नकल की चीजों पे हम लोग बैठ। आज ही कोई साहब बता रहे थे कि कुंभ के मेले में हजारों लोग मर गए। हजारों सदियों से कुंभ का मेला होता है और ऐसा शास्त्र में कहीं कहा गया है कि जिस वक्त ये समय आता है उस समय सरस्वती का पात्र खुल जाता और उसमें नहाने से पाप धुल जाते। पर हिंदुस्तान में देखते हुए तो पाप कुछ घटे तो नहीं, बढ़ ही गए। घटने की तो बात दूर है। तब फिर शंका होने लग जाती है धर्म पे कि धर्म क्या चीज है? ये तो सब एक तमाशा है, ढकोसला। कोई भी धर्म गलत नहीं, कोई भी अवतरण गलत नहीं है, कोई भी संत साधु दृष्टा योगी गलत नहीं। गलत तो वो लोग हैं जो इनको अपने हाथ में लेते हैं और धर्म को बेच रहे हैं। ये सब धर्म कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता के लिए लड़े और चाहे वो पैसों के लिए। चीज सब एक। थोड़ी लाइट कम करिए, बहुत ज्यादा। इस सत्ता के खोज में न जाने कितने युद्ध हो गए भगवान के नाम पर, न जाने कितने हजारों मर गए। लेकिन अब आप लोग नोएडा में, मैं देखती हूँ बहुत से लोग सहयोग में उतर आए हैं, और जो लोग सहज में उतर आए हैं वो तो सभी धर्मों को मानने लगे, और अगर नहीं मानते हैं तो मानना पड़ेगा। सब अवतरणों की पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी आप सहज में परिपक्व नहीं हुए। क्योंकि हम तो विश्व धर्म में विश्वास करते हैं जिसमें सारे ही संसार के धर्म समाहित है। सबको जोड़ने की बात है, तोड़ने की नहीं। कोई अगर ये सोच ले कि मैंने सब कुछ पा लिया और अब मैं इस धर्म में आ गया तो बाकी के सारे धर्म खाली और मेरे अच्छे, तो ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर है। क्योंकि आप कोई भी धर्म पे हो, आप हर तरह का पाप करते हैं और कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन सहयोग में आने के बाद भी, कल काफी लोगों ने मुझसे कहा कि माँ मैं सहयोग में आया,
तो भी मेरा ये नहीं ठीक हुआ, किसी ने कहा वो नहीं ठीक हुआ, तो सहयोग में घटित क्या हुआ? इसमें कुछ घटना है, सहयोग में कोई अपने सर पे मैं सहयोगी कोई भी लगा ले, उसमें कोई मना तो नहीं कर सकता, कोई भी अपने सहयोगी कह ले, पर वो सहयोगी नहीं होगा। सहज योग में सहज योगी बनना पड़ता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनना पड़ता है, जब तक वो घटित नहीं हुआ, वो जब तक बना नहीं तो सहयोगी नहीं। जब वो घटित हो जाता है तो वो समर्थ हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो जाती, वो सबको ही जागृति दे सकता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, सारे ज्ञान का वो भंडार बन जाता है। उसकी सारी त्रुटियां खत्म होकर के वो एक परिपक्व इंसान, इसका मस्तिष्क बहुत प्रगल्भ मैच्योर ऐसा बन जाता है, जिनका वर्णन हमने गीता में स्थित प्रज्ञ पाया, कुरान में वली कहा गए, नानक साहब ने खालिस कहा और बुद्ध ने उसको बुद्ध कहा। हर धर्म में ऐसे योगी का, जिसे कि हम कह सकते हैं कि प्रकाशित, जिसकी बुद्धि हो गई, उस प्रकाश में जीवन के बारे में कहा गया और उस प्रकाश को प्राप्त करने के बारे में कहा है जो आत्मा के प्रकाश से मनुष्य में एक परिवर्तन घटित कर देता, उसके बारे में भी कहा गया। सब धर्मों में इसकी चर्चा है, नहीं तो सवेरे उठे तुलसी को पानी दिया, फिर अपने बदन पे पानी ले लिया, कोई मुझे छुए नहीं, चले गए, उसके बाद नहा लिया धो लिया, भगवान के पास बैठ के घंटी बजाई, ये धर्म बाहर रह गया, अंदर नहीं। नमाज पढ़ी, बाइबल पढ़ा, सारा धर्म बाहर रह गया। अंदर आने के लिए वो धर्म अंदर से खालिस होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। अंदर सब कुछ भरा हुआ है तो धर्म आके बैठेगा कहाँ? उसकी सफाई होनी चाहिए। और आज मैं रशियन अम्बेसडर से मिलने गई थी, वो इतने अभिभूत थे, बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने रशिया में इतना कार्य किया। अपनी गवर्नमेंट को तो ये समझ में नहीं आएगी, उनके बस का नहीं, पर उन्होंने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि आप जो भी आप मदद चाहे हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग स्वच्छ हो जाए, इनका हृदय स्वच्छ हो जाए। वो सहयोग में आने के बाद हर बार देखना चाहिए कि हमारा हृदय स्वच्छ हुआ कि नहीं, कि अब भी उसमें आसपास की ईर्ष्या, आसपास का दोष, यही सब घूम रहा है,
इस दिल को जब आप साफ करेंगे तभी तो ना परमात्मा का प्रेम इसमें भरेगा। तो ऐसी कुछ अजीब चीज है कि सहज योग में आने के बाद भी हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहते। एक आदमी दूसरे की बुराई देखेगा या किसी न किसी तरह से स्पर्धा में कंपटीशन में पड़ जाए और इस स्पर्धाशील स्वभाव के कारण वो दूसरे से हमेशा अलग ही रहेगा। किंतु अगर अच्छाई में स्पर्धा शुरू हो जाए, अच्छाई में, तो सबकी अच्छाई बढ़ जाएगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। पर यह भी नहीं हो सकता, कारण अभी तक आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आया नहीं। पर अजीब बात यह है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से हमारे चित्त में आया नहीं, हमारे हृदय में पूरी तरह से बसा। तो सहयोगी होने पर भी दावाटोल मामले चलते हैं और जब ये डावाडोल मामले चलते हैं आपसी झगड़े हो जाएंगे, ग्रुपबाजी हो जाएगी, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। जब जरा गर्दन झुकाइए तो आप देखेंगे इस हृदय में आत्मा है। पर गर्दन झुकाने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्यों झुकूं, तो ये आप नहीं बोल रहे, ये मैं है अहंकार। इस अहंकार को आपको थोड़ी देर झुकाना पड़ेगा जबरदस्ती। तू झुकता है कि नहीं झुकता है, तब फिर आपको आश्चर्य होगा कि आपका हृदय का कमल खिलने लगेगा और उसका सौरभ, उसका सुगंध सारे संसार में बहना शुरू हो जाए। तब फिर आपकी कुंडलिनी भी चढ़ पड़ेगी, कितने ही उसके तार खुल पड़ेंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, आपकी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। किंतु पहले हृदय खोलने की बहुत जरूरत है। ये ठीक है, आप पार हो जाएंगे, आप सहयोग पे लेक्चर दे सकते हैं लंबा लंबा, सब बुद्धि का करिश्मा, और हो सकता है कि आपके हाथ से थोड़े लोग जागरूक भी हो जाए, लेकिन न तो आप आगे जा सकते हैं न तो वो लोग जा सकते हैं। जिसने इस प्रेम से हृदय को भर लिया वही असली सहयोगी है। पर फलस्वरूप क्या होता है कि इस शुद्ध प्रेम से भरे हुए हृदय को चारों तरफ फैला हुआ ये चैतन्य जानता है। और जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है तो यह सारा चैतन्य जो है वो अपने गढ़ भेज करके आगे पीछे आपके दौड़ता है, देखता है। कोई चीज की जरूरत हो ले लीजिए। सहयोग में हमेशा लोग बताते हैं, माँ मेरे साथ तो ऐसा चमत्कार, मुझे तो आपने ऐसा दे दिया। मैंने कुछ दिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतना बताएंगे कि आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया। ये सब परम चैतन्य आपको दे रहा, क्योंकि आपका हृदय प्रेम से भरा जा रहा। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम आ जाए, शुद्ध प्रेम, तो ये तो परम चैतन्य स्वयं ही आपके अंदर आ गया, क्योंकि ये भी शुद्ध प्रेम है और यही आपके हृदय में भी है।
तो ऐसा हृदय जिसमें ये शुद्ध प्रेम विराज रहा है, उसका संबंध तो हो ही गया उस परम चैतन्य से। तो क्या ये परम चैतन्य इस हृदय को जैसे कोई तेरा ही छोटा बालक है ऐसा समझ करके उसकी पूरी मदद नहीं करेगा, उसको नहीं देखेगा? और जब ये परम चैतन्य आपकी हर पल हर घड़ी रक्षा करेगा, आपकी पूरी इच्छाएं पूरी करेगा, आप में संतुलन और दुनिया भर का प्यार दे देगा, जब ऐसी आपकी सुंदर प्रकृति हो जाएगी कि आपको देखकर बाग के फूल भी खिल उठे और वन के पेड़ भी आनंद से भराए, ऐसी जब आपकी सुंदर प्रकृति होने लगेगी तब आपका विश्वास अपने ऊपर और सहजियों के ऊपर दृढ़ हो जाएगा। जब तक ये विश्वास अंधा था, अंधेपन से आप दुनिया भर के कर्मकांड कर रहे थे, तब तक एक अंधे की लाठी जहां चल जाए इसी प्रकार आपका जीवन था। घर समझ लीजिए यहां सब अंधे बैठ जाए तो वो समझेंगे नहीं कि किसके पास बैठे हैं, किससे कितने दूरी पर हैं, क्या हैं। अगर उनको बाहर भी ले जाना है तो किसी को हाथ पकड़ के ले जाना पड़े, पर फिर ऐसा लगता है कि ये परम चैतन्य जो है ये मेरा हाथ पकड़ करके मुझे इधर ले जा रहा। घर समझ लीजिए कहीं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, जरूरी है जहां जाना है सो ले जा रहा, मैं क्या करूं, ये परम चैतन्य मुझे ले जा रहा है, इसी के साथ मैं चले जा रहा। सारी जिम्मेदारी इस परम चैतन्य ले ली, ये आपकी समझ में बात आ जाएगी। जब ये बात आपके समझ में आ जाए तब ये जो अंदर श्रद्धा है ये श्रद्धा बन जाए और विश्वास श्रद्धामय होगा, क्योंकि आपने सत्य को जाना और सत्य को जानते ही आपने उसको अपनाया है, इसलिए सत्य आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो इंसान सत्य पे खड़ा रहता है उसको कोई डिगा नहीं सकता, अगर उसको कोई डिगाता है तो असत्य, क्योंकि वो समर्थ हो जाता है। ईसा मसीह को एक बार एक वेश्या के सामने खड़ा होना पड़ा क्योंकि लोग उसे पत्थर से मार रहे थे। वो जाकर के उस वेश्या के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप में से जिसने पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे, इस वेश्या को। असल में ईसा मसीह का और वेश्या का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सत्य का और उनका संबंध था। उस सत्य की बुनियाद पे खड़े होकर जब उन्होंने कहा तो सब ने अपने पत्थर फेंक दिए और सब भाग गए। ऐसी प्रखर सत्य की शक्ति है जो हर तरह की नारकीय या पाशवी प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्टता का हमारे अंदर भाव है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती। सिर्फ खड़े होने की जरूरत है और खड़ा होना है इस सत्य की श्रद्धा पर। श्रद्धा का मामला मैंने बड़ा जबरदस्त देखा, अभी स्लोवाकिया में एक स्त्री बहुत बीमार थी,
और पता नहीं उसको कितनी बीमारियां थी बेचारी को, तो उसको एक काफी उम्र थी उनकी, एक कुर्सी पे बिठा के लिया, मेरे सामने आके खड़ी हुई, रखी उनको किस तरह से। तो वो जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख के आए थे कह रहे थे कि माँ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे एकदम ठीक करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप मुझे ठीक करेंगे। तीन चार बार उन्होंने कहा, मैंने कहा वास्तव में तुम कैसा विश्वास है कि मैं ठीक करूँ? हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा तो खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई वो, मैं तो ठीक हो गई। सीढ़ियां उतर के नीचे गई और लगी दौड़ने, सब लोग देखने लगे, सब हंसने लग गए, पर इस परम विश्वास के साथ उसने बात की। ऐसा विश्वास सहयोगियों के हृदय में बैठना चाहिए कि हमारे लिए परम चैतन्य खड़ा हुआ और हमारा सिर्फ जब उस पर विश्वास नहीं होता तो फिर परम चैतन्य कहता अच्छा तो तुम जो करना कर। ये जब तक हम परम विश्वास को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमने जाना नहीं कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि परमात्मा चाहते हैं कि आप उनके साम्राज्य में आए और उनका साम्राज्य इस कदर कार्यशील है, कार्य दक्ष है, कार्य क्षम है कि कोई बात यहां कहिए जा करके अमेरिका में बात होता थी, न जाने कम्युनिकेशन उनका इतना जबरदस्त और एक चीज नहीं चूकती। इस साहब का नाम बताओ क्या, बस हो गया। आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं रह जाती क्योंकि हर दिन हर समय हर पल ऐसे सहयोग में घटित हो रहा है। पर उसके लिए आपको योग्य होना चाहिए। अगर आप में इसकी योग्यता नहीं तो ये कार्य नहीं होने वाला। इसके लिए कुंडलिनी का जागरण मात्र, वो तो अभी हो ही जाएगा आप सबका, इसमें शंका नहीं, किंतु ये जो संबंध है योग है, चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा के सृष्टि से जो संबंध है वो जब तक आप कायम नहीं करेंगे तब तक आप हिलते डोलते ही रहेंगे। उसके इलाज भी सहयोग में बहुत ही सीधे सरल है। कोई आपको हिमालय नहीं जाना, कोई आपको भूखे नहीं रहना, कोई व्रत नहीं करना, कोई चीज की ऐसी बात है, सिर्फ सवेरे 5 मिनट शाम को 10 मिनट भी कम से कम अगर आपने ध्यान किया और अगर आप सामूहिकता में अपना सारा घमंड छोड़ करके चले, वो भी बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि साहब मैं तो सेक्रेटरी हूँ इस डिपार्टमेंट का और वहाँ मेरा क्लर्क जाता है तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ। अगर आप सेक्रेटेरिएट में जाते हैं जहाँ आपका क्लर्क भी आता है और आप भी आते हैं और उससे आप तंबाकू मांग कर पीते हैं तो आपको क्या हर्ज है साहब ऐसी जगह जाने? पर साहब ये बड़ा मुश्किल है कि मैं उसी के साथ बैठ के ध्यान करूँ। क्यों साहब क्यों मुश्किल है? इस तरह की अहंकार की भावना लेकर के जो जो चलते हैं वो सहयोग में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सहयोग अहंकारियों के लिए नहीं, हाँ उनके लिए और चीजें हैं, जैसे उनको अस्थमा हो सकता है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, होता ही है ज्यादातर, और ब्लड कैंसर भी हो सकता है,
और किडनी फेलियर भी हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और सबसे तो बड़ी चीज ये कि उनको बहुत क्रोध आता है, उसका क्रोध आता है कि दुनिया दहल जाए, और वो सबको कहते हैं साहब मुझे गुस्सा आ गया। वाह 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 वाह, क्या कहने आप। तो ये सब लाभ तो है अहंकार, और फिर डॉक्टरों के जेबें भी भर सकता है, मतलब एक तरह से कुछ तो कार्य हो ही रहा। लेकिन आप इस संसार में किस लिए आए हैं? पीड़ित रहने के लिए और सबको पीड़ा देने के लिए कि इस जीवन का आनंद उठाने के? वो आनंद आप अंधश्रद्धा से नहीं पा सकते, कभी भी नहीं। जैसे अंधे को कोई सा भी रंग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अंधश्रद्धा से मनुष्य को कभी भी परमात्मा के प्यार की छटा भी नहीं मिल सकती, जान भी नहीं सकता कि परमात्मा कितना प्रेम से भरा हुआ है, उसकी उसको छा तक कभी मिल नहीं सकती, एक बूंद भी वो उसे नहीं पा सकता जो कि साक्षात अमृत स्वरूप चारों तरफ फैला हुआ। तो हम क्यों बेकार में ही इस गर्त में पड़े हुए गोते लगा रहे, जबकि इतना आसान है उस अमृत को पाना, क्यों ना उसे हम प्राप्त करें? जब हमारा अधिकार है इसे प्राप्त करना, हम इंसान हैं, इंसान तो पहुंच गए मंजिल तक, आगे थोड़ा और आगे जाना, लेकिन मंजिल तक आते तक इतनी गठरियां सर पे आपने लाद ली, जो मिला सो लाद के आए कि अब दो कदम भी चलना नहीं हो सकता, बैठ गए मैं ढंग से, अब नहीं चल सकते, क्योंकि दुनिया भर की गठरियां आपने इकट्ठी कर ली। कितने लोगों से मैंने कहा कि आप अब कर्म कांड को छोड़ो, ऐसे कैसे हो सकता माता जी, हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। हम शुरू से रोज सवेरे मैं 1000 बार राम का नाम लेती हूँ। अच्छा भाई, फिर आपकी विशुद्धि तो पकड़ रही है और आपको अस्थमा है जो राम का स्थान है, तो क्या फायदा हुआ आपको? लेकिन वो मुझसे नहीं छूटने वाला, आप चाहे कुछ करें। इसकी लत तो मैं सोचती हूँ शराब से भी बदतर है, जो एक बार आदत पड़ गई वही लत लिए पड़े चले। शराब छूट जाएगी पर ये लत नहीं छूटती। अरे भाई, तुम्हारा ये विशुद्धि चक्र खराब जा रहा है और तुम्हारा ये राइट हार्ट पकड़ रहा है, तुमको अस्थमा की शिकायत हो गई, श्री राम का स्थान है, श्री राम ही तुमसे नाराज है। मैं क्या करूं माता जी, मुझसे छूटता ही नहीं। ऐसी ऐसी आदतें हम लोगों ने लगा ली, जैसे कि किसी आदमी में गाली गलौच करने की आदत हो गई, लगा ली गाली गलौच और उसका कोई इलाज नहीं हुआ, तो उसने उसको फिर किसी ने कहा कि अच्छा अब आप चलिए किसी राजा के स्थान पे बैठिए, तो वो वहां से ही गालियां देना शुरू कर दी। ये भूल जाएगा कि मैं राजा के स्थान में बैठा हूं, मुझे कायदे से बैठना, वहां से गालियां देना शुरू कर दी। उनके लिए भी स्थान है, इनको गाली गलौज की आदत है, आप लोग पार्लियामेंट में चले जाइए, ताहे कुछ लोगों को परेशान कर, वहां चल जाएगा ये काम। जिस स्थान पे आपको बैठना है उसकी लियाकत भी होनी चाहिए, ये तो जरूरी चीज है। तो पहली चीज ये है कि कुंडलिनी के जागरण के बाद अपने को तौलना चाहिए। मैं कहा हूं
लियाकत का मतलब ये नहीं कि आप कौन सी मोटर में आए या आप कौन से ढंग से बैठे या आपने कौन से कपड़े पहने, ये लियाकत की बात है। लियाकत है अंदर की एक स्थिति, आपकी श्रद्धा। और दूसरा कि सहज योग की जो युक्ति है, योग का मतलब दो होता है, योग तो एक है कि उस परमात्मा के प्रेम की शक्ति से एकाकारिता, और दूसरा है युक्ति माने इल्म। उसका इल्म भी आपने सीखा कि नहीं, जैसे एक आपने दीप जला दिया, अब इस दीप का अगर काम है प्रकाश देना, और ये प्रकाश नहीं दे सकता तो ऐसे दीप से फायदे क्या। पर जो सहयोगी सहयोग के बारे में जानता नहीं है कि ये चक्र क्या है, वो चक्र क्या है, या इसको ठीक करने का तरीका क्या है, मेरे अंदर कौन से दोष है उसे मैं किस तरह से ठीक करूं, और जनसाधारण में जो दोष है जिनके लिए कि मैंने ये प्रकाश को पाया है उसको मैं किस तरह से प्रकाशित करूं, ये अगर विचार हमारे अंदर है ही नहीं तो सहयोग में आकर के आप कर क्या रहे। आपको पता होना चाहिए कि सहयोग एक महान आंदोलन है, और जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि बोधिसत्व का जमाना आएगा, कहा था मात्रया, तीन मा, तीन मा, मात्रया, और बोधिसत्व के जमाने में जो लोग बुद्ध होंगे, एनलाइटेंड होंगे, प्रकाशित होंगे, वो जनसाधारण का कल्याण करेंगे और सारे समाज में इसे फैलाएंगे। ये बंधन है, अकेले बैठ के तो शराबी भी शराब नहीं पीता, फिर क्या ये अमृत आप अकेले पिएंगे। और फिर मजा आपको आएगा जब आप इसे बांटेंगे, और ये बांटने के लिए इसका इल्म होना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, उसको आपको दे दिया भाई इसमें स्विच लगा दो और काम हो जाए, पर बाद में तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि ये है क्या चीज, ये चल कैसी रही, क्योंकि आपको जन साधारण में जाना है, सबको बताना है, समझाना है। वो कहेंगे अच्छा भाई तुमने क्या पाया, बस मुझे तो ऐसी चैतन्य की लहरें आ गई ठंडी ठंडी, बस हो गया। हाँ क्या नहीं, वैसे हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरे बहू को बेटा नहीं होता था उसको बेटा हो गया, मेरे घर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, आदि आदि ऐसी बातें बताएं। चलो इस पर भी कोई विश्वास करके सहयोग में आ भी गए तो जैसे एक वैसे दस, उसे फायदा क्या होने वाला है किसी को। इसलिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा, इसकी तकनीक जिसे कहते हैं हिंदी में शब्द इन्होंने बनाया टेक्निक से तकनीक, इसकी तकनीक सीखनी पड़ेगी हर एक सहयोगी को, जो बहुत ही आसानी से सीखते हैं। मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ, बाप रे बाप, हड्डियाँ लेके सोना पड़ता था, वो हड्डी के एक एक पुर्जे को याद करना पड़ता, कहीं बच्चे को काट, कहीं मुर्दे को काट। 7 साल में तो कोई पास नहीं होता, तो 8-10 साल में अगर पास हो गए तो कहीं जाके आप डॉक्टर हो जाते हैं। फिर भी अगर किसी अस्पताल में आप गए और कहा कि पता लगाओ इनको क्या बीमारी है,
तो आपकी पूरी अतड़ियां निकाल देंगे, आंख निकाल के धो के फिर फिट कर देंगे, दांत निकाल के फिर फिट कर देंगे और कहेंगे कोई बीमारी नहीं। लेकिन सहयोग में तो आप खड़े हो जाइए, फौरन पता चल जाता एक मिनट में क्या तकलीफ है, फौरन पता हो जाता है कि आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को क्या तकलीफ है। तो संवेदना अपने अंदर आनी पड़े, उस संवेदना के साथ इल्म भी आना चाहिए कि इसमें हमने अभी देखा इसको ठीक कैसे किया जाए। अभी एक साहब ने लिखा कि माँ मैं जब दूसरों को ठीक करता हूं तो वो मैं कमजोर हो जाता, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप कर रहे हैं, आप मेरा फोटो रखो उसको ही बीमार हो जाते, मैं तो होती नहीं। कहना माँ तुम ही कर रहे हो गया काम कर, आप अपने ऊपर ले लेते हो तब ये प्रश्न खड़े हो जाते। नोएडा में सहयोग बड़े जोरों में बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका, पता नहीं मुझे भी यहीं पे जमीन मिल गई, यहीं पे घर हमारा भी बन रहा, कुछ बात होगी नोएडा के विषय। पर यहाँ के सहयोगियों को सहयोग का इल्म कितना मालूम है वो मैं आकर जरूर देखूं। इल्म मालूम जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हुआ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही फेल हो करते रह रहे। जब तक आपको इसमें पूरा गुरुत्व मास्टरी नहीं आ जाएगी तब तक आप सहयोग में बिल्कुल बेकार आए हैं, आपका कोई उपयोग नहीं। जंगलों में लाइट लगाने से क्या फायदा, समाज में हमको प्रकाश देना, तो अब आपको समाज में उतरना पड़ेगा, भागना नहीं है समाज से, गंदगी से भागी पर समाज से भागने की जरूरत नहीं। आपको देख के ही आपके प्रकाशित जीवन को, आपके नूर को देख के ही लोग समझ लेंगे कि ये चीज कुछ और ही है, और पूछेंगे कि भाई है क्या बात बताई, धीरे धीरे उनके खुद समझ में आ जाए, इस पे जबरदस्ती करने की जरूरत है। पर समाज में जब तक आप कार्यान्वित नहीं होंगे, सिर्फ हाँ भाई मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, मेरा बच्चा उसको भी नौकरी मिल गई, मेरा 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 जब तक चलेगा तब तक आप सहयोगी नहीं, भले ही आप मेरा बैज लगाते हो। हम तो चाहते हैं एक माँ तो जरूर है, लेकिन चाहते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है सब हमारे बच्चे उसी तरह से पनप जाए और उससे भी आगे चले जाए, उसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार, जो भी मेहनत करेंगे वो करने को तैयार। पर मैं देखती क्या हूं, माँ मैं तो बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो रही, माँ मेरा ये ही नहीं हो रहा, वो ही नहीं, ये ही रोना गाना करते रहते, क्या तुम लोग सहयोग में आए हो कि क्या? अगर सहयोग में आके आपकी बीमारी नहीं ठीक होती तो आप में कोई ना कोई खराबी है, सहयोग में कोई खराबी तो अच्छा है फिर से जन्म ले लो, छोड़ो सहयोग को, ऐसा सहयोग क्यों करते, बेहतर है आप छोड़ के चले जाओ और सबको बख्शो। रोज मुझे 5-6 बजे तक बैठना पड़ता है, सवेरे 6 बजे से 6 बजे तक यही सब रोना लेकर लोग पहुंच जाते। ऐसा कोई जब कहे अब कुछ नहीं चाहिए माँ, बस सब अब बस ठीक चल रहा है, तब फिर तबीयत बनती है और सोचते हैं कि ये समझ गए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा मार्ग तो ठीक हो गया लेकिन ये मार्ग कहाँ पहुंचता है और हमें अग्रसर करना, इसमें अगर बढ़ना है तो हमें क्या करना है,
उसके लिए क्या प्राप्त करना है। और सब चीजों में तो हम बहुत स्पर्धा लगाते कि अगर हमने MBBS किया तो हम MD कर दें, फिर MD करने के बाद ये भी कर दें, फिर वो भी करते हैं। दुनिया भर के धंधे में भी आज हमने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कल उसकी डबल फैक्ट्री खोले, उसके बाद उसके 4 गुना ज्यादा फैक्ट्री खोले। एक घर 2 साड़ियां है तो उसको 10 साड़ियां होनी चाहिए, घर जेवर अगर 1 है तो वो 10 जेवर। इसमें सब में स्पर्धा है। अरे वो बड़ा अच्छा जेवर पहन के आई थी, मैंने पूछा कौन से दुकान से आई थी, उसी दुकान में जाकर जेवर खरीदो। इस मामले में बड़ी स्पर्धा। फिर हमारे मर्दों की भी पुरुषों की भी जो स्पर्धाएं हैं उसका भी कोई अंत नहीं। रात दिन ये माँ मेरे ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी है, मुझे उसकी नौकरी चाहिए, पर वो तो हटता ही नहीं, उसको किसी तरह हटाने की व्यवस्था करी। अब यही अगर धंधा मुझे करना है अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने पैसे ले लिए पर उस डिप्टी सेक्रेटरी को हटाया नहीं। मैंने कहा भाई तुम फिर दूसरे किसी के पास जाओ, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं और ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं। स्पर्धा करनी चाहिए इसमें कि मैं कब उस चरम सीमा पे पहुंच जाऊं जहां मेरे अंदर कोई सी भी नेगेटिव बात ही ना, ऐसा मेरा हृदय का कुंभ प्यार से लबलबा जाए कि उससे सारी गलत चीजें जो है एकदम खत्म हो जाए। इस तरह की भावना अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये परम चैतन्य बैठा है आपकी चरण सेवा करने की, जो कहिएगा सुन। तब आपके साथ बेइंसाफी नहीं हो, इंसाफ पूरी तरह से आपके साथ इस तरह से होगा कि आप भरपूर हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग सहयोग में मिले और मिलते हैं, इस नोएडा में भी हैं और इस दिल्ली शहर में भी हैं, जहाँ मैं तो सोचती थी कि बबूल के झाड़ के सिवा कोई झाड़ ही नहीं हो सकता, वहाँ आज इतने गुलाब खिल गए हैं। हर जगह इतना कार्य हो गया, लेकिन आपको भी इसी में स्पर्धा करना है कि हम भी ऐसे ही होके दिखा देंगे। इसके लिए कोई आपको कॉलेज में भर्ती नहीं होना, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं करता, सिर्फ पूर्ण शुद्ध इच्छा अंदर होनी चाहिए और इस इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करना चाहिए। फिर देखिए आप कहां से कहां चले जाते और कहां से कहां आप कार्य करते हैं। कुंडलिनी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं और बता भी देंगे, चक्र भी बता देंगे, उसके नंबर सब कुछ बता देंगे, लेकिन इल्म हमारे अंदर कितना है वो देखना चाहिए। आनंद से भर देता है। इस प्रकाश को संजोने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए कि हम अब सहज योगी हैं, अब हम ये नहीं कर सकेंगे और यही कर सकेंगे, इस नतीजे पर पहुंच जाना पड़ेगा। अपने प्रति पहले श्रद्धा प्रेम और विश्वास होना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे। बाप दादे हमारे करते रहे होंगे, लेकिन आज हम सहयोग पे खड़े हुए हैं और हम करके दिखा सकते हैं। सब बेकार चीजें हम छोड़ देंगे,
और असलियत पे उतर आएंगे। बस ये अगर आपने ठान लिया तो देखिए कि सारे कार्य कितने सहज में हो सकते।